हाय एवरीवन। तो आज मैं अपने छत की क्लीनिंग कर रही हूँ और कुछ प्लांट्स को चेंज कर रही हूँ। उनकी जगह चेंज करते रहो तो अच्छा लगता है। और ये मेरे को दीवार में ना आपको दिखाई थी ना, बस इस स्पाइडर प्लांट को मुझे वहीं रखना है। ये स्पाइडर प्लांट मेरा 4 साल पुराना है और ये जब से लिया था तब से इस स्टूल पर ही रखा हुआ था। और अब ये इतना हैवी हो गया कि इसे उठाना ही मतलब अपने आप में ही बड़ा बहुत बड़ा काम था। इसको बड़ा मुश्किल से उठाया गया क्योंकि इतना हैवी हो गया था। इसको बस मुझे लगता है अगर इसे निकालूंगे ना तो इसमें मिट्टी तो नज़र आएगा ही नहीं। इसकी अपनी जड़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ही मोटी जड़ें होती हैं इनके, के पोर्ट को ही कवर कर लेते हैं, मिट्टी गायब हो जाती है। तो बस इसको उठा रही हूँ क्योंकि चेंज करता रहना चाहिए, इससे हमारा मन भी अच्छा रहता है और हमारे जो गार्डन है उसमें भी एक जो खूबसूरती होती है वो इजाफा करती रहती है। तो फिर फाइनली इसको रख दिया है दीवार पर। पीछे हमारा अशोक का पेड़ लगा हुआ है, घर में ही लगा हुआ है, और ये थोड़ा सा अड़ रहा था तो इसको भी थोड़ी टहनियाँ इसकी काटी ताकि जगह बन जाए। और ये एकदम फिक्स इसको कर दिया है दीवार पर। और यहाँ से ना बिल्लियाँ भी आती है तो उसको भी रास्ता ब्लॉक हो जाएगा उनका भी। और ये देखिए ऐसे रखा हुआ है, इसकी पत्तियाँ थोड़ी जल गई हैं और इसके जो ली वो होते हैं ना बेबीज़ होते हैं वो थोड़े हैंग करते तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो ये पत्ती हटा दी और ये वंडरिंग जो है उसका भी पोर्ट इधर रख दिया है और ये भी हैंग करते हैं तो बड़े ही खूबसूरत से लगते हैं। और ये नीचे मेरा इधर ये मेहंदी का प्लांट है और बाकी ये नीचे मेरा इधर पत्थर चट्टा है, इसकी भी कटिंग मैंने करी थी, बिल्लियों ने ख़राब कर दिया था। और ये देखिए इसके बेबीज़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इधर मेरा ये इसी स्टूल पे रखा हुआ था, इसको भी साफ़ कर देते हैं, एक मनोरा इसे उठा के मैं यहाँ से रख दूँ। ये इधर मनी प्लांट है और इसको क्या ही मेरा को ख़राब सा हो रहा है अब तो ये बहुत ज़्यादा। तो अब इसको मैं सोच रही हूँ हटा दूँ तो बस हटा दिया है और इसकी जगह रख दिया है मनी प्लांट जो मॉइस्टिक पे लगा हुआ है। अच्छा मॉइस्टिक पे मनी प्लांट वगैरह या कोई भी पौधा लगा रहे ना तो उसे कॉर्नर में रखना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अभी तो ये पानी ही नहीं है इसमें तो थोड़ा लेगी सा हो रहा है, ये पानी डलेगा तो वापस से अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी ये इधर मेरा एलोवेरा वगैरह मैंने लगा रखा, छोटे से पॉट में लगा हुआ, देखो कितना बड़ा हो रहा है। और यहाँ से ऐसे जगह स्पेस अच्छी खासा बन गया है, अब बाकी पौधे भी रख दूँगी। और ये देखिए क्या ही हाल हो रहा है। अच्छा ऐसे जब हमारी छत फैल जाती है ना तो बुरा नहीं लगता बल्कि अच्छा लगता है, इसमें भी अपनी ही खूबसूरती होती है। मैं तो सोचती हूँ ये भी बस अपना ही मज़ा है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है क्योंकि शाम हो गई थी तो बस मैं ऐसे छोड़ के चली गई थी। और इधर मेरी मिट्टी वगैरह सूख रही है अभी, बिल्कुल मैं सारी ही सेटिंग चेंज कर रही हूँ। ये सिंगोनियम इतने सारे हो गए, समझ नहीं हो रहा क्या करूँ। ये इधर रेक रख दिया है, यहाँ उधर ये दूसरी साइड में इधर रखी हुई थी रेक, तो इसको हमने उधर रख दिया है कि इधर ना धूप आती है बहुत ज़्यादा और वो पौधे सारे ही इंडोर प्लांट्स हैं तो मैंने उधर रख दिए। और ये बाकी ये भी है इंडोर पर ये धूप बर्दाश्त कर लेते हैं और ये इतनी नहीं कर पाते हैं तो इनको सब रख दिया। कुछ चेंज भी आया तो अच्छा लगा। और ये रूम में कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, ये मैंने रिपोर्ट किया था, हिबिस्कस है और गुल अब्बास है और ये कटिंग्स लगवाई हैं, जेड प्लांट की कटिंग लगाई है और कॉलियस है, तो इनको रिपोर्ट किया था। अच्छा रिपोर्ट जब भी आप कोई भी पौधे करो ना तो उसको एक हफ्ते शेड में रखो ताकि वो शौक में ना आए, क्योंकि इनको शौक ज़रूर लगता है और उससे ये मर भी जाते हैं। तो ये और अगर ऐसा कुछ हो तो आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी कर सकते हो तो उससे भी ये जो इनको शौक में आते हैं तो उससे ये बाहर आ जाते हैं जल्दी, इनको आसानी रहती है, हेल्प मिलती है, एक तरह से इनको दवाई मिल जाती है। और इसको मैं बाद में यहाँ पर सेट करूँगी, अभी तो देखिए कितना ही फैला हुआ है पूरे। तो इधर ये अशोक का मेरा, हाँ अशोक का कह रही हूँ, जंपा का है, तो इसकी शेड में भी मैंने ये स्टार फाइकस रख दिया था क्योंकि इसको भी रिपोर्ट किया था, तो ये इसकी शेड में रखा हुआ है। बस ऐसे कोई बड़ा पेड़ हो तो उसको शेड में आप छोटे पेड़ रख सकते हैं। और ये देखिए कैसे फैली हुई है, बस अब मैं इसको सबको क्लीन करती हूँ, सबको सेट करती हूँ और फिर देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए ये कुछ सेटिंग है मैंने ऐसे करी है, ये रेक मैंने आपको दिखाई थी यहाँ रख दी है। अब ये जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं इनको डायरेक्ट सनलाइट से बचे रहेंगे। और बाकी ये इसे लगा दिए हैं यहाँ पर और इतनी स्पेस मैंने यहाँ पर छोड़ दी क्योंकि ये वाटर पाइप है, तो इसके लिए मैंने यहाँ से प्लांट्स हटा दिया है ताकि अच्छे से हैंग हो सके और किसी भी प्लांट में लग के प्लांट को ख़राब ना करे। बाकी ये देखिए यहाँ पर देखिए कितने इस टाइम हो रहा है, 9:30 हो रहे हैं और अच्छी खासी धूप आ रही है। सभी प्लांट्स को धूप मिले ये ज़रूरी नहीं है, कुछ प्लांट्स को धूप मिलने की वजह से वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने उन्हीं को लगा दिया जो फुल सनलाइट के तो नहीं कहूँगी मैं उन प्लांट्स को, लेकिन हाँ अगर सुबह की धूप मिले तो वो कुछ उनमें प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी ये स्टैंड पर लगे हुए ये ऐसे और ये मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, ये देखिए ठीक है। और गार्डनिंग के साथ अपनी
और गार्डनिंग के साथ अपनी छत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि जब एक ही जगह प्लांट्स रखे रहते हैं उनकी मिट्टी बाहर आती रहती है और जड़ें भी बाहर आ जाती हैं पोट में से, तो वो छत को, जैसे छत कहीं कहीं से क्रैक रहती है तो उस छत के, उस क्रैक के अंदर ना वो जड़ें अंदर जाने शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से छत ख़राब हो जाती है और टूटने का और छत का डैमेज होने का नुकसान और वो ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं। तो आप उनको अलर्ट पलट करते रहिए अपने प्लांट्स को, कभी इधर रख दिया कभी उधर रख दिया, और हटा हटा के नीचे से सफाई भी करते रहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कोशिश करिए छत पे अपनी प्लास्टिक के पॉट से रखिए, मिट्टी के एक दो रख दीजिए, जिनकी ज़्यादा प्लांट्स को रिक्वायरमेंट रहती है मिट्टी के पॉट की उन्हीं के रखिए, बाकी मोस्टली आप कोशिश करिएगा कि मिट्टी प्लास्टिक के पॉट रखिएगा। मैं भी प्लास्टिक के रखती हूँ, और उनको फुल मिट्टी से नहीं फिलअप करिएगा, उसको नीचे पहले कुछ भी ड्राई लीव्स वगैरह हो गए आपके गार्डन की वो रख दीजिए, और उसके बाद कुछ भी आपकी जो वेजिटेबल पील्स होते हैं बना और फ्रूट्स पील्स होते हैं वो डाल दीजिए, और उसके बाद कम से कम 40-30% ही मिट्टी उसमें ऐड कर दीजिए, तभी आपका पॉट बहुत ही हल्का बनेगा और आपकी छत को कोई नुकसान नहीं देगा और उसको खाद भी मिलती रहेगी पौधे को। ठीक है, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और सुबह की धूप तो बस क्या ही कहना, उसके अपने ही खूबसूरती है। तो बस फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।